हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आप सब स्वस्थ रहे, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले उड़द दाल के। तो देखिए हम इतना सारा बनाए हैं। तो सबसे पहले दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ हम उड़द दाल भिगो के रखे हैं पूरी रात भर। दही को हम अच्छी तरह फेंट लिए हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा पतला बना लेना है। और सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में अपना दाल डाल के यहाँ हम अदरक डाल रहे हैं और काली मिर्च। अदरक और काली मिर्च ही डालते हैं वैसे तो। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पूरा फाइन नहीं बनाना है, इसको एकदम महीन नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है जैसे देख रहे हैं आप वैसा ही। यहाँ हम सारा पीस लिए हैं दाल को और इसको हाथों से मिलाना है जैसे कि आप देख रहे हैं मिला रहे हैं। यहाँ अदरक का टुकड़ा रह गया था इसलिए हम उसको हम निकाले। देखिए इसको हाथों से एकदम मिलाना है। यहाँ हम देखिए अपने हाथों से मिला रहे हैं, ऐसे ही मिलाना है हाथ से। यहाँ देखिए हम हाथ से फेंट लिए। इसको चेक करने के लिए हम पानी में डालेंगे और ये ऊपर आ जाए तो मतलब सही है, और नीचे रह जाए तो और हमको फेंटना है। यहाँ हम पैन में पानी गरम कर रहे हैं, गुनगुना एकदम करना है, ज़्यादा नहीं करना। दूसरी तरफ हम दही में डालेंगे, इसको तैयार कर ले दही बल्ले के लिए। नमक डालेंगे, काला नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालेंगे, डाल के मिलाएंगे इसको। ये जितना मतलब कठिन लगता है बनाना उतना बस बनाना नहीं है, बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप बना लेंगे अच्छी तरह से तो बस पता लग जाएगा। यहाँ हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ देखिए हम मिला लिए हैं, लगभग हमारी तैयारी पूरी हो गई है, बस हमें तलना है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हमें स्टार्ट में नहीं डालना है, जब हम तलने जाएंगे तभी डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाता है गोल। नमक डालेंगे तो आप, यहाँ हम तलने जा रहे हैं तो देखिए पानी हमारा गुनगुना हो गया है। कढ़ाई में हम तेल बैठाए हैं, देखिए यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं। यहाँ गर्म हो गया है और फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और आराम से हाथों से डाल देंगे, छोटा बड़ा जिस साइज का आपको बनाना है वैसे डालते रहिए। यहाँ देखिए डालते ही हमारा दही बल्ला कैसे फूल रहा है आपको पता लगता होगा।
इसको हम अलट पलट के बढ़िया से पकाएंगे। और यहाँ हम एक बात का ध्यान रखना है कि चम्मच हमें इसके अंदर होल्ड करना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए, दोनों तरफ से होल्ड करना है पलट के। देखिए हम पलट कर भी शेप कर रहे हैं इसमें। यहाँ हम तलने के बाद इसको गुनगुने पानी में डाल देंगे, हल्का गुनगुना एकदम करना है। और फिर देखिए यहाँ हम कटोरी में निकाल रहे हैं अपने दही बल्ले, मतलब पानी में डाल के निकाल लेना है कुछ देर बाद, जैसे कि लगे कि हाँ ये पानी सोख लिया है, फूल गया है, तो निकाल के और दही में डाल देना है। इसके ऊपर हम दही डाल दिए। नमक, काला नमक, मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल के इसको तैयार कर लेंगे। बाकी दही बल्ले जो हम दही मिला के रखे थे इकट्ठे सारा डाल देंगे दही बल्ले ऐसे। गरम पानी में, मतलब गुनगुने पानी में डाल के तब हमें दही में डालना है उसमें से निकाल के। यहाँ देखिए हम इतना सारा बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यहाँ देखिए हम आपको काट के दिखा रहे हैं, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। दही भल्ला ऐसा होना चाहिए कि मुंह में गल जाए।